नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 30 जनवरी 2019 के लिए मैंने सॉरी 2020 के लिए मैंने वीडियो बनाना मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग अंत जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और इसके बाद मैंने बाइसल लेवल ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स मैं देता हूँ और इनसाइड दवा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अंडर टीम स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक पैटर्न शो करता हूँ। तो वो भी आप लोग को दिख जाएगा और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है वो भी मिल जाएगा और बहुत सारा स्ट्रेटेजी स्ट्रेटनिंग्स है वो भी आप लोग को उधर मिल जाएगा। और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, मैंने जो वाइस लेवल फाइल शेयर करता हूँ उसका व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ये कैसे स्क्रीनिंग करता है, क्या क्या है, कैसे यूज़ करता है और इसका परफॉर्मेंस क्या है, वो सब वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ। ये देखिए, ये ऑनडे का हिसाब से ये इनसाइड द मार्केट दिखा था है, लेकिन मेरा ख्याल से इधर चार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि इसका हाई आज का हाई से ज़्यादा हम ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली जो है आज का हाई ज़्यादा है। तो इधर कुछ दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्ट में थोड़ा सा हो सकता है। तो इधर जो एक दोजी टाइप बोल सकता है, लेकिन स्पिनिंग टॉप या शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और इधर अनसर्टेनिटी देखा जाए है, बेयरिश कैंडल बना है, ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया और इधर से भी बाइंग प्रेशर था। तो थोड़ा सा ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, लेकिन ज़्यादा ऊपर भी नहीं दिया पाया, अनसर्टेनिटी है। तो इसमें ये शो करता है कि ये साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा, ज़्यादा आप या ज़्यादा डाउन में जाएगा ऐसा लगता नहीं है। तो ऐसा ही का एक्सपायरी में एक्सपेक्ट हो सकता है। तो लेवल देख के आप लोग को कौन मतलब ट्रेड करना देखना होगा। और आप लोग को रात में जो बाई सेल लेवल देता हूँ उसमें आप लोग को मिल जाएगा। और निफ्टी बैंक का भी ऐसे ही पैटर्न बना है। देखिए, निफ्टी बैंक में इधर क्लियर दिख रहा है चार्ट में, आज का हाई ज़्यादा हुआ है, इधर सेलिंग प्रेशर है, इधर भी थोड़ा सा डोजी टाइप का स्कैंडल बना है। और मेरा जो डाटा है उसमें दिखा था शो करता है, लेकिन इधर क्यों नहीं शो करता मेरा पता नहीं है। इधर देखिए, 169 कल का हाई था, सॉरी आज का कल का हाई था 163 और आज का ये 169। इधर भी आप लोग भी चेक कर सकता है इसको, कोई भी गूगल सर्च या कोई किसी, लेकिन इधर थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है चार्ट में। हो सकता है जब प्लेटफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम होता है, हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, इधर भी अनसर्टेनिटी है, तो ज़्यादा अप मूवमेंट या मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे कोई भी कोई साइड में ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। साइडवेज मूवमेंट होगा, लेकिन फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकता है। और इधर ऑप्शन चेन में देखूंगा तो इधर निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है ये 0.90 है, कल 0.75 था, ये इससे ये ऊपर गया है 0.90 के आसपास, मतलब थोड़ा सा अप ट्रेंड लेने का कोशिश किया है लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। ऊपर से सेलिंग प्रेशर आता है, मतलब सेल ऑन डाइस बेसिस होता है, मतलब जो पीपल ज़्यादा ऊपर से सेलिंग कर देता है, तो इसीलिए उधर सेलिंग प्रेशर दिया, नीचे भी ज़्यादा नहीं गिर पा रहा है। तो इधर से देखिए, इधर 12,200 में इसका रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और कॉल साइड में जो हुआ है तो ये लॉन्ग अनविंडिंग हुआ है, इधर नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और इधर 12,000 में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर सपोर्ट बना है 12,000 में, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, लेकिन इसलिए साइडवेज मूवमेंट देखने के लिए
मिल सकता है, क्योंकि दोनों साइड में ये ऊपर जाने का कोशिश करेगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कुछ साइड में लॉन्ग आर्म एंडिंग हो रहा है, इधर सॉरी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर लॉन्ग आर्म एंडिंग हो रहा है, ये भी नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसलिए साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है एक एक टाइम बहुत एक वन साइड में थोड़ा सा ऊपर चला गया या थोड़ा सा डाउन चला गया, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, लेकिन कोई भी साइड में ब्रेकआउट होने का देखने के लिए या कोई भी वन साइड में ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ही अप डाउन हो सकता है बीच में। तो इसमें उसके बाद बैंक निफ्टी का देखूंगा तो इधर बैंक निफ्टी का 0.072 है, 0.72 पीसीए रेशियो है, इधर 31,000 में इधर शॉर्ट इधर इधर भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर 30,500 में इधर सपोर्ट बना है और 31,000 में इसका लॉन्ग बिल्डअप हुआ, सॉरी रेजिस्टेंस बना है और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, इधर उस साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी साइडवेज मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अप डाउन बहुत ही होगा, फ्लक्चुएशन होगा, ज़्यादा होगा, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, लेकिन ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिलेगा। वन साइड ब्रेकआउट कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं लगता कि 31,000 ब्रेक करके ऊपर चला गया, इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा या इसका सपोर्ट ब्रेक करके नीचे चलेगा, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इधर दोनों साइड में जो स्थिति है तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ही रहेगा और कैंडलस्टिक पैटर्न देख के भी ऐसा ही लग रहा है। तो देखना है क्या कहाँ करेगा, और मैंने रात में आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल भी आप लोग को दिखा दूंगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और इसका प्रॉबिलिटी मैंने कैलकुलेट किया हूँ वन डे का हिसाब से, जो आज का क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग प्राइस इम्पैक्ट वोलेटिलिटी या दोनों साइड का कॉल इम्पैक्ट वोलेटिलिटी पुट इम्पैक्ट वोलेटिलिटी और वन डे का एक्सपायरी के हिसाब से, तो इधर ऊपर जाने का दोनों ही बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर जाने का ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस के आसपास जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अभी रात में आप लोग को दिखाऊंगा।